एक बार की बात है, हरे भरे जंगल में बबलू नाम का एक जिज्ञासु छोटा लड़का रहता था। वह हमेशा जंगल के रहस्यों से आकर्षित रहा था और उसकी गहराइयों की खोज करना पसंद करता था। बबलू कई बार जंगल के रास्तों पर घूम चुका था, लेकिन एक दिन कुछ असाधारण घटित हुआ। जैसे ही बबलू घने पत्तों के बीच से गुजर रहा था, उसे एक मधुर चहकने की आवाज सुनाई दी। उत्सुकतावश उसने आवाज का पीछा किया, जब तक कि उसकी नजर एक ऊंचे पेड़ की शाखाओं पर बैठे रंग बिरंगे पक्षियों के समूह पर नहीं पड़ी। वे सबसे मनमोहक गीत गा रहे थे, जो टॉमी ने कभी सुने थे, बबलू ने कहा। उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठी। ठीक है, अब आपने हमें ढूंढ लिया है। सिर पर पंखों का गुच्छा लिए हुए एक नीला और पीला पक्षी चहचहा रहा था। हम जंगल के पक्षी हैं और हमें गाना और जंगल में उड़ना बहुत पसंद है। जंगल के पक्षियों से दोस्ती करने के विचार से बबलू का दिल खुशी से नाच उठा। उस दिन के बाद से बबलू हर दिन पक्षियों से मिलने जाता था और वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वह उनके गाने सुनता था, जंगल में उनके जीवन के बारे में सीखता था और यहाँ तक कि छतरी के चारों ओर उनकी उड़ानों में भी उनके साथ शामिल होता था। एक दिन बबलू ने देखा कि पक्षी चिंतित लग रहे थे। उन्होंने उसे जंगल में मंडराते खतरे के बारे में बताया। एक भयंकर तूफान आ रहा था और उन्हें डर था कि यह उनके घोंसले और घरों को नष्ट कर देगा। चिंता मत करो मेरे दोस्तों, बबलू ने उन्हें आश्वस्त किया। मैं तूफान से निपटने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। तूफान के रास्ते से दूर एक आश्रय स्थल की तलाश में बबलू और जंगल पक्षी जंगल से होकर उड़ गए। अंत में उन्हें चट्टानों के बीच स्थित एक मजबूत गुफा मिली। टीम वर्क और दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने गुफा को मजबूत किया, जिससे यह सभी के लिए सुरक्षित हो गई। और इस तरह बबलू और जंगल के पक्षी हमेशा खुशी से रहते थे। उनकी दोस्ती उस